नमस्कार, मैं अर्पिता। वेलकम टू माय चैनल अर्पुस लाइफ। दही भल्ला मैं कैसे बनाती हूँ आज वो दिखाऊंगी आप। इसको एक कप पूरा दाल और एक कप मूंग दाल मेजरमेंट में बना सकते हैं, लेकिन मैं आज सिर्फ उड़द दाल में बना रही हूँ। तो पहले मैं एक कप उड़द दाल को रात भर भिगो के अच्छे से साफ करके रखी थी। दाल को मिक्सर जार में थोड़ा सा पानी देकर मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा पानी देंगे तो बैटर पतला हो जाएगा। अभी ये मिक्सर को मैं हाथ में एक ही डायरेक्शन में फेटूंगी। इसको जितना अच्छे से फेटेंगे बड़ा उतना अच्छा होगा। इसको 5 से 7 मिनट फेटने के बाद अच्छे से फ्लफी हो गया है। बैटर को ऊपर उठाने के बाद भी नहीं गिर रहा है। अभी इसको मैं ढक के 15 मिनट के लिए रख देती हूँ और अच्छे से फर्मेंट होने के लिए। 15 मिनट के बाद बैटर में चॉप्ड ग्रीन चिली, ग्रेटेड जिंजर, थोड़ा सा किशमिश और सॉल्ट देके मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे ऑयल गरम हो गया है। अभी वड़ा को एक एक डाल के फ्राई कर लेंगे। वड़ा डालने के बाद गैस फ्लेम को मीडियम रख के वड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अभी सब वड़ा फ्राई हो चुका है। मैं एक वड़ा को तोड़ के अंदर दिखा रही हूँ, कितना जालीदार हुआ है देखिए। बाद में एक बर्तन में नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी ली हूँ, उसमें थोड़ा सा हींग और सॉल्ट देके वड़ा को 15 मिनट के लिए सोक करके रखेंगे वड़ा अच्छे से फूलने के लिए। पंद्रह मिनट हो गया है, अभी वड़ा से पानी निकाल देंगे। और ये जो प्रोसेस है इसको स्लो करना होगा, अगर तेजी में करेंगे तो वड़ा टूटने लगेंगे। नेक्स्ट हम एक बर्तन में जितने कर्ड चाहिए ले लेंगे, उसको स्मूथ करने तक मिक्स करेंगे सॉल्ट और शुगर टेस्ट के अनुसार डाल के। अभी हमारा क्रीमी सा कर्ड रेडी हो गया है और साथ में मैं होममेड इमली चटनी और ग्रीन चटनी रखी हूँ। यहाँ पे मैं एक सर्व करके दिखा रही हूँ। वड़ा के ऊपर कर्ड, रेड चिली पाउडर, इमली चटनी, ग्रीन चटनी, आपको जैसे चटपटा पसंद है वैसे करके आप खा सकते हैं। लेकिन वड़ा को कर्ड में कम से कम 30 मिनट तक भिगो के रखेंगे तो कर्ड वड़ा के अंदर अच्छे से अब्जर्ब होगा और सॉफ्ट होगा। हमारे घर में कुछ गेस्ट आ रहे हैं तो इसीलिए मैं इसको फ्रीज में रख लूँगी 2 घंटे के लिए, उसके बाद मैं सर्व करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।